सूत्र मंदिर में प्रवेश ना करें। हिमाचल प्रदेश बालसपुर, यहां पर पहाड़ियों के बीच स्थित मार्कंडेय मंदिर गलत वजह से सुर्खियों में है। रोड़िक मंदिर के बाहर लगा बोर्ड समाज को बांटने का काम करता नजर आ रहा है। बोर्ड के मुताबिक खास जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना है। आखिर 21वीं सदी में मंदिर में प्रवेश पर रोक का बोर्ड क्यों लगाया गया है? आपको हैरानी हो रही होगी, 21वीं सदी में भी किसी मंदिर के सामने ऐसा बोर्ड लगा हो सकता है। क्यों है इस मंदिर में विशेष जाति के प्रवेश पर प्रतिबंध? वासलापुर के मार्कंडेय मंदिर में बाहर लगा बोर्ड में लिखा है कि यहां विशेष जाति के लोग मंदिर में घुसना मना ही है। इस बोर्ड से साफ है कि यहां जाति का भेदभाव है। और जब मंदिर के बोर्ड के बारे में पूछा गया तो पता चला कि यह बोर्ड सदियों से यहां पर लगा हुआ है और इस पे लिखे हुए सब जाति सूचक नहीं कर्म सूचक हैं। जो कर्म करेगा प्रवेश करेगा। लेकिन मंदिर के श्रद्धालुओं ने इस बात से ताल्लुक नहीं रखते और रोज मंदिर आते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात से ऐतराज है। श्रद्धालु नहीं, दूसरे मंदिरों के पुजारी भी बोर्ड पर लिखे शब्दों को गलत मानते हैं। उनके मुताबिक मंदिर सभी के लिए बराबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ने इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। हमारे भारत में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है और अगर ऐसा बोर्ड किसी मंदिर में लगा है तो वह गलत है और गैर कानूनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन संत महात्माओं को कानून तक का खौफ नहीं है। कोर्ट के आदेश पर भले ही बोर्ड हटा दिया गया, लेकिन फिर भी कानून की परवाह न करते हुए बोर्ड फिर से लगा दिया गया। संत बड़ा या कानून, इन दिनों बहस का विषय बना हुआ है। 3 साल पहले ये मामला सामने आया था जब एक श्रद्धालु ने हिमालय न्यायालय में याचिका दर्ज कराई थी। याचिका पर आदेश लेते हुए उच्च न्यायालय ने बोर्ड हटाने को कहा। कोर्ट के आदेश पर बोर्ड हटा दिया गया, लेकिन मंदिर के महंत ने कानून का खौफ ना समझा और अगले दिन दोबारा बोर्ड लगा दिया और अपनी ही दलील देने लगे।